देखिए हम लुधियाना शहर में खड़े हैं, ये लुधियाना शहर में क्लॉक टावर 120 साल पहले बना था जहाँ पर, और उस तरफ लगाइए, सामने लगाइए थोड़ा सा, वहाँ दिखा दो, क्लॉक टावर दिखा दो, और उस तरफ लगाइए, वहाँ पर टांगा खड़ते थे, टांगा स्टैंड था यहाँ पर, टांगे के साथ वहाँ पर मोचे जो होते हैं बूट वाले साले बैठते थे, और इधर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ जहाँ पर अखबार वाले होते थे, अखबार वगैरह, और बीच में थोड़ा सा चौराहा बना हुआ था, उसके आसपास दातुन वाले बैठते थे, और ये दातुन वाले हैं, ये आज से नहीं सैकड़ों वर्ष पुराना ये इनका काम है, और देखिए ये आज यहाँ पर दातुन कटाई कर रहा है, पहले दातुन आती थी किक्कर की, और अभी से पूछेंगे कि किक्कर की कितनी आ रही है और नीम वाली कितनी आ रही है, क्योंकि पहले इनके बहुत सारे घर थे, हर आदमी दातुन करता था, उस समय टूथब्रश वगैरह नहीं होते थे, दांतों से लोग दांत साफ करते थे, दांतों से जब हम दांतों में उसको लेकर चबाते हैं तो दो तरह की एक्सरसाइज होती है, एक तो चबाने से एक्सरसाइज होती है, एक जब ब्रश की तरह हम उसको करते हैं, दो फायदे होते हैं दांतों के, ब्रश तो ऐसे ऐसे चलता है ना, लेकिन ये चबानी भी पड़ती है दांतों के नीचे, थोड़ा सा इसको दबाना भी पड़ता है, इससे ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है, तो ये मैं इनसे पूछूंगा, इनके पहले बहुत परिवार होते थे, बस में जाते थे शाम को भर कर लाते थे, ये जैसे जो डालियाँ लेकर आते थे टहनी जो होती हैं, तो फिर जहाँ काट कर किस तरह काटते हैं ये दिखा थोड़ा सा इनको, और देखिए कितने की देता है ये, कितने की होती है लुधियाना शहर में, और जब ये अपने गांव जाते थे तो क्या कहते थे, हमारा गांव, हम लुधियाना में हमारा कारखाना है, डॉक्टरों का कारखाना है लुधियाना में, जब गांव जाते लोग कहते थे क्या काम करते हो भैया वहाँ पर, कहते हमारा डॉक्टरों का कारखाना है, और डॉक्टरों का कारखाना यहाँ लगा हुआ है। अच्छा ये बता मेरे को, इधर आ जा भैया, कितने का देता है दातुन आजकल, कितने का है दो दातुन, कितने का है, ₹2 का, ₹1 का एक, देखिए ₹1 का एक दातुन है ये, और कितने साल हो गए तुमको यहाँ काम करते हुए, 10-15 साल हो गए, उससे पहले कौन करता था, और दादे का था, दादा परदादा इनका यही काम करता था लुधियाना में, और लुधियाना के शहर का कोई ऐसा बुजुर्ग होगा जिसने दातुन ना किया हो, सभी लोग दातुन यहीं से लेके जाते थे। अच्छा कहाँ से लेके आता है जी, नीम का है या किक्कर का है, नीम का, किक्कर का नहीं आता अब, किक्कर का नहीं, तो देखो किक्कर का अब जाने के जितने पेड़ लगे थे ना हाईवे के आसपास सरकारी पेड़ थे वो सब किक्कर के कट चुके हैं, अब रह गया सिर्फ नीम, और नीम जो है पेटेंट है, अमरीका ने करा रखा है, तो नीम का दातुन ये रुपये का एक रहता है। अच्छा मेरे को ये बता तो लेके कहाँ से आता है, कहाँ से लेके आता है, हरियाणा, हरियाणा से, हरियाणा से, और ये हरियाणा से लेके आता है काट कर, पंजाब से नहीं कटाई करता रे, लुधियाना से नहीं कटाई करता ये पेड़ की, हरियाणा से लेके आता है, हरियाणा से ये बस में रख के आता है फिर लुधियाना में उतरता है, भैया आने जाने का किराया भी लगता है ना, और देखिए कितना दातुन बेच देता है, 1000 दातुन हो जाता है तुम्हारा, नहीं होता, कितना दातुन होता है, हो जाता 400-500 का, 400-500 दातुन होता है सिर्फ इसका, 400-500 रुपये का, जाने के कहने का मतलब 300-400 रुपये की दिहाड़ी पड़ती है, और देखिए ये मेहनत करते हैं, कौन सा जिला है आपका, कहाँ से आए हुए आप, गुजरात, ये गुजराती हैं भैया, गुजराती जितना काम करने में ये मेहनत करते हैं ना, ये सारी दुनिया को दिखा देंगे काम ऐसे होता है, और देखिए ये पहले दातुन लेके आता है हरियाणा से जाकर, फिर हरियाणा से दातुन आके घंटाघर भी आता है, परिवार वालों से मिलता है, और फिर जहाँ पर ये कटिंग करता है इसकी टक 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 करता है, और टक टक करने के बाद रुपये की बेचता है ये, और कोई दो चार लोग मुफ्त भी ले जाते होंगे इसके पास से, तो देखिए हमने दातुन वाला दिखाया ये, पहले बड़ी चढ़त होती थी इनकी, 20-30-40 साल पहले ये लोग बोलते थे हमारा डॉक्टरों का कारखाना है लुधियाना में, जब ये गांव जाते थे, लेकिन अब यह समय बदल चुका है, दातुन लोगों ने करना छोड़ दिया, ब्रश आ गए हैं, क्या ख्याल है, ब्रश आ गए ना, ब्रश आने से दातुन लोग नहीं करता, तूने दातुन किया कभी, हाँ जी किया, अच्छा लगता है, हाँ जी, तू क्या करता है, मैं तो ब्रश करता हूँ, ब्रश करता है, जब दातुन करते हैं ना, जब इसको चबाते हैं दातुन को तो एक्सरसाइज होता है, जब ब्रश करते हैं तो नीचे ऊपर एक्सरसाइज नहीं होता, इसका दो फायदा है, हाँ इसमें, हाँ इसका चबाना पड़ता है ना, दांतन जब चबाते हैं तो उसमें ताकत आती है दांतन में, दांतों में, हाँ दांतों में ताकत, हाँ ताकत आती है, तो नेम के दातुन करते हैं, नेम के दातुन में सफाई है जी,
दांत की सफाई है, अपना सारा सफाई होता है, कहता है सांस की सफाई होती है, गले की सफाई होती है और मुंह की सफाई होती है नीम के दांतों से। चलो भैया, हमने आपको चलते चलते दिखा दिया, जी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो हम ऐसे दिखाते रहेंगे आपको। बिल्कुल, हम जा रहे ऐसे दिखाते हैं जब जाते हैं, और तभी दिखाते हैं कि आप लोगों की सोच बदले। हाँ, सोच बदलेंगे तो समाज बदलेगा भैया, ठीक है ना। हम भी देखे आंधी आ रही है, ऊपर से मी आ रहा है, हम निकले हुए हैं यार। कल को आएगा, अरे हमको कोई देता थोड़ी है, कोई लोगों ने यार एमएलए से जो नेता लोग खड़े थे ना, बड़ा पैसा कमाया। थोड़ी नहीं, मैं तो कल का आएगा सर। हाँ कल को आएगा मी, पर नहीं ऐसे है ना, जो ऐसे हमारे लगे घूमते हैं ना, उन एमएलए लोगों के पास गए, उनसे बड़ा पैसा लिया उन लोगों ने। हैं कहते तुम जीत जाओगे, हमने किसी से कुछ नहीं लिया भैया, हम तो तुम्हारे जैसे लोगों के पास आते हैं। हाँ नीम का दातुन दिखा रहे हैं हम, जब लोगों के पास जाते हैं हम तो अपना पैसा लगाते हैं। जिस दिन मेरा कैमरे वाला नहीं ना आता, मेरा कहता 1000 रुपया मेरा बच गया, बड़ा खुश होता हूँ। मुझे आना ही छोड़ गए, अरे यार मेरे को आया करो, ठीक है ना। चलो भैया बहुत अच्छा आप लोगों से आपने बात हमसे किया, इसको काट दो भैया, दे दिया। चलो धन्यवाद।